हेलो दोस्तों, पोकेमोन जर्नी के एपिसोड 14 में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग स्नोरलैक्स को नींद से जगाने वाले हैं, तो चलो जल्दी से चलते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। दोस्तों तो चलो अपना सफर कंटिन्यू करते हैं। हाँ, लेकिन आज हम जाएंगे कहाँ? हॉन्टर 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 हॉन्टर। और दोस्तों, हॉन्टर पे सफर करने के अलग ही मजे हैं। हॉन्टर? हाँ दोस्तों, एक तो घोस्ट टाइप है और सब लोग इसको देख के डर जाते थे, कितना मजा आता था, कोई आगे भी डर गई। हूँ दोस्तों, चलो अभी शहर को छोड़ने का समय आ चुका है, आगे चलते हैं। हाँ दोस्तों, अरे यार, तो वही सारे लोग हैं जिनको हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ये हाँ, लेकिन चलो यहाँ पे इमिग्रेशन चेक करवा लेते हैं और आगे चलते हैं। लगते हैं इन भाई सबको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आराम से आगे जा सकते हैं। हाँ चलो फिर चलते हैं। अरे दोस्तों, यहाँ पे देखो, ये क्या है? अरे ये कौन सा पोकेमोन है? ये स्नोरलैक्स है। ये इसको उठाना असंभव है, लेकिन ये एक स्पेशल फ्रूट से जा सकता है। अरे स्पेशल फ्रूट वो तो हमारे पास नहीं है। दोस्तों मुझे लगता है हमें वो स्पेशल फ्रूट को ढूंढना होगा। हाँ चलो दोस्तों, उसे ढूंढते हैं। ए दोस्तों आगे आओ, देखो मैंने यहाँ पे एक स्पेशल रास्ते को ढूंढा है। कौन सा रास्ता? ये देखो दोस्तों, पहले ये रास्ता खुला हुआ नहीं था। अरे हाँ तू सही कह रहे, अभी रास्ता खुल चुका है। हाँ तो फिर इसमें जाके देखते हैं कि क्या है यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे तो बहुत सारे फिशिंग करने वाले लोग आए हुए हैं। अरे यार, ये फिशिंग करने वाले लोग हमसे कहीं भिड़े ना। भाई ये कौन है भाई? ओए गैराडोस तो ऐसा बोला था जैसे इसके पास सच में गैराडोस है। मैं तो डर गया था 2 मिनट के लिए। पिकाचू ने तो इसको एक शॉट में हरा दिया। और कौन सा पोकेमोन बचे तेरे पास? अब ये मेरा सीकिंग। अरे ये सीकिंग कौन है अब? ओए इस सीकिंग को भी खत्म कर दे पिकाचू, थंडरबोल्ट अटैक मार के। अब आएगा पॉलीबैग। ओए ऐसा लग रहा है इस पॉलीबैग की पॉटी अटक गई। पिकाचू थंडर शॉक अटैक। और जितनी गैस लेके आया था उस हिसाब से तो ये 1 मिनट भी नहीं चला। मैं तो झूठ कह रहा था, मेरे पास गैराडोस आएंगे। अरे दोस्तों ये क्या हो रहा है? ए मुझे लगता है आइविसॉर इवॉल्व हो रहा है। अरे आइविसॉर किस पे इवॉल्व होगा? मुझे नहीं पता दोस्तों, मुझे लगता है शायद ये वीनसॉर में इवॉल्व हो जाएगा। कांग्रेचुलेशंस, योर आइविसॉर हैज बीन इवॉल्व इनटू वीनसॉर। अरे यार दोस्तों, हमारा प्यारा आइविसॉर अब वीनसॉर में इवॉल्व हो चुका है, अब तो वो पूरा इवॉल्व हो चुका है। हाँ यार, अब तो वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। मुझसे लड़ो, मेरे पास है गैराडोस। एक और झूठा आ गया। अरे फिर बस तो सच में गैराडोस है। पिकाचू थंडरबोल्ट अटैक। अरे लेकिन इसका गैराडोस भी पुसड़ी सा था, एक ही शॉट में मर गया। ओए दोस्तों जल्दी चलो, क्या पता यहाँ से अगर हम जाए तो स्नोरलैक्स को हम जगा पाए। हाँ चलो जल्दी से जगाते हैं। दोस्तों हम किसी भी साइड से चले जाए, जब तक हमारे पास वो फ्लूट नहीं होगी तब तक हम इसे जगा कैसे पाएंगे। ओ यार तेरी बात में दम तो है। चलो दोस्तों फिर जल्दी से लेवेंडर टाउन के उस टावर में चलते हैं, क्या पता हमें वहाँ पे राज मिल जाए इस फ्लूट का। हाँ भाई शिनचान तू सही कह रहा है, चलो जल्दी से जाके देखते हैं कि यहाँ पे कोई राज है कि नहीं। ए हाँ, मुझे पक्का यकीन है यहाँ पे हमने कुछ छोड़ा है। शिनचान मुझे डर लग रहा है, हम फिर से इस भूतिया जगह में क्यों आ गए? भाई यार हमें यहाँ पे ढूंढना है ना राज उस स्पूकी फ्लूट का। हाँ दोस्तों चलो जल्दी चलते हैं। दोस्तों जल्दी से यहाँ पे आओ, यहाँ पे एक सीढ़ी है। हमें सीढ़ी पहले नहीं दिखी थी ना कजामा? हाँ भाई हमें पहले नहीं दिखी थी ये सीढ़ी। दोस्तों फिर चलते हैं जल्दी से। ए यहाँ पे ये बुढ़े अंकल कौन है? बच्चे रुको, हम जाएंगे पहले। जैसी ये बच्चा यहाँ भी आ गया, इसको अकल है नहीं। हम तो यहाँ पे इस मिस्टर फूजी को किडनैप करने आए हैं। अकलू तुमने जैसे की बात नहीं सुनी क्या? चलो हमारे साथ और हमारे लिए पोकेमोन पे रिसर्च करो, हमारे बॉस तुम्हें बहुत सैलरी देंगे। ओए हम क्या इनविजिबल है? ओए उस मिस्टर फौजी को छोड़ दो, एक फौजी दूसरे फौजी का दर्द समझ सकता है। तो ऐसी बात है तो हो जाए, जाओ। ओए जाओ पिकाचू और मिस्टर माइम। माइम माइम मिस्टर माइम। जैसे ये कचड़ा फिर आ गया। माइम माइम जेम्स अभी तेरे मुंह पे कुल्ली कर दूंगा, इतना बोलेगा तू। पिकाचू थंडरबोल्ट अटैक। उरे और जैक भैया, आपने मिस्टर माइम को क्यों भेज दिया? चार बॉक लसन फेंक के मारो। अरे पिकाचू की हेल्थ बिल्कुल खत्म हो चुकी है। पिकाचू वापिस आओ। उरी और पिकाचू भी फेंट हो गया, क्या करे? जाओ वीनसॉर। जैसे ये कैन का आइविसॉर वीनसॉर में बदल गया। जाओ चार्मिलियन। दोस्तों सिचुएशन बहुत इंटेंस होती जा रही है। हाँ तू सही कह रहा है भाई। भाई यार कुछ भी हो सकता है, इनका ये पदोड़ा वीजिंग भी जीत सकता है। भाई यार हमें ये सब नहीं सोचना चाहिए, हमें जीतने पे फोकस करना चाहिए। मुझे लगता है वीनसॉर से हमें इस पदोड़े को मारना चाहिए और
और 4 मिलियन से इस 4 बंदर को मार के खत्म कर देना चाहिए। भाई तू सही कह रहा है। 4 मिलियन ड्रैगन रेज अटैक। चार चार। दोस्तों आरबॉक तो बच गया। ग्लेयर अटैक चारबॉक। अरे ग्लेयर अटैक से तो 4 मिलियन पैरालाइज हो गया। और लगता नहीं वो नेक्स्ट मूव मार पाएगा। विनसोर लीड सीड। हाँ भी बीच बीच में उससे पावर छीनता रहेगा थोड़े वीजिंग से। वीजिंग पद्दू अटैक लेकिन 4 मिलियन पे। अरे यार 4 मिलियन पे मार दिया। तुम्हें क्या लगा हम हर बार एक ही गलती करेंगे? पिछली बार 4 मिलियन ने हमें हरा दिया था। चारबॉक लसन फेंक के मारो और 4 मिलियन को खत्म कर दो। दोस्तों इन लोगों ने तो 4 मिलियन को हरा दिया। हाँ यार क्योंकि पिछली बार 4 मिलियन ने इनको हराया था तो ये इस बार प्लानिंग करके आए थे। वीजिंग गोबर की उल्टी कर। दोस्तों हमें कोई ऐसा पोकेमॉन भेजना चाहिए जिनसे इनका सामना कभी ना हुआ हो। मुझे लगता है हमें हॉन्टर को भेजना चाहिए। हाँ हॉन्टर को भेज देते हैं। हॉन्टर 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 हॉन्टर। दोस्तों हॉन्टर का सबसे तगड़ा मूव शैडो बॉल करते हैं। शैडो बॉल अटैक। चारबॉक नहीं ऐसा नहीं हो सकता। विनसोर टैकल अटैक। उरी यार वो हवा में उड़ने वाला पोकेमॉन है इसलिए विनसोर को दिक्कत हो रही है और वो गंदी गुटियां फेंक रहा है उसपे। पूरी लगता है अब ये हॉन्टर ही कुछ कर सकता है। हॉन्टर शैडो बॉल अटैक। शैडो बॉल ने तो वीजिंग की आधी से ज्यादा पावर खत्म कर दी। अब सब विनसोर पे टेक डाउन अटैक। वीजिंग नहीं ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हम फिर से कैसे हार गए। हम फिर कैसे हार गए। अरे हमें फिर से जाना पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है जैसे हर बार हमारे साथ ही लगता है टीम रॉकेट एक बार फिर से फेल हो गई। दोस्तों तुम्हें क्या लगता है मुझे इस अंकल से बात करना चाहिए कि नहीं? हाँ हाँ करते हैं। ओए मिस्टर फौजी बात करो हमसे। थैंक यू बच्चे तुमने मेरी जान बचा ली। मैं बहुत बिजी था मेरे को पता भी नहीं चला टीम रॉकेट कब आ गई। अच्छा है तुमने मेरी जान बचा ली। एक पोकेमोन है मैरोवैक में उसकी आत्मा को शांत कर रहा था। मेरे घर चलते हैं। अच्छा? थोड़ी बात आओ बेटे चाय वाय पी लो। बेटे बताओ अब मैं तुम्हारी कैसा सेवा कर सकता हूँ? अंकल जी हमें ना एक पोकी फ्लूट चाहिए। आपको पता है वो कहाँ पे मिलेगी? अरे बेटे गांव में छोरा शहर में डिंडोरा। बेटे ये पड़ी मेरे पास ये लो पोकी फ्लूट। थैंक यू अंकल। चलो दोस्तों जल्दी जल्दी और स्नोरलैक्स को जगाते हैं। और दोस्तों मुझे तो बहुत मजे आएंगे स्नोरलैक्स को जगाते हुए देखने में। अगर दोस्तों अगर आप लोगों को भी वीडियो पसंद आ रही हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। स्नोरलैक्स बेटे जागना पड़ेगा तुझे। ओए वो फ्लूट निकाल और जगा इसे। अरे दोस्तों भूकंप आ रहे। अरे लगता है ये जाग गया। ये तो जाग गया। अरे ये तो चमत्कार हो गया। तुमने इतनी बढ़िया फ्लूट बचाई कि ये जाग गया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बेटा ये बहुत ही डेंजरस है तुम्हें इसे जल्दी से हरा के पकड़ना ही पड़ेगा वरना पूरे शहर में आतंक मचा देगा बेटे। जाग भी ये तुम्हें अपना खाना समझ रहे मुझे लगता है हमें घोस्ट टाइप भेजना चाहिए। हॉन्टर जा। हॉन्टर 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 मुझे पकोड़ा इस पकोड़े को तो मैं खा दूंगा थैंक यू। ओ शैडो बॉल अटैक। अरे लेकिन शैडो बॉल का तो कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ इस मोटे सांड पे। पूरी तो खराटे मार के सो गया। पूरी सोते पे तो ये अपना हॉन्टर कुछ कर ही नहीं सकता। जाओ विनसोर। ओ विनसोर एक टपली मार के जगा इस मोटे को। अरे उसने अपनी डकार विनसोर के मुंह में ट्रांसफर कर दी। अरे दोस्तों यार हम तो हारने ही वाले हैं। ये तो हार ही नहीं रहा है। कभी सो जाता है कभी जाग जाता है। हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे उसकी हेल्प भी फुल है। हाँ लेकिन लीड सीट से शायद कुछ काम हो जाए। उरी और लीड सीट ने भी ज्यादा पावर नहीं सक करी। अरे तो हम करी तो करी क्या जाए तो जाए कहाँ। वीनस और भी हर 2-2 मिनट में सोई जा रहा है और उसकी हेल्थ भी कम हो जा रही है। मैं इस पूरे कुत्ते को अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। अरे चलो फिर से हेल्थ कम कर दी।
लेकिन लीड सीड ने भी स्नोलैक्स की पावर सक कर ली। टेक डाउन अटैक, पूरी टेक डाउन अटैक तो सक्सेसफुल हो गया, उसने इसकी आधी ज्यादा पावर खा ली। इसने चाट दिया पूरे विनसोर को। विनसोर मैं सब छोडूंगा नहीं। लीसीड अटैक। अरे खुद ही अटैक कर रहे हैं। उरिस ने रो दिया स्नोलैक्स को। अरे यार पकड़ो यार इसे जल्दी से। हाँ यार स्नोलैक्स अगर हमारी टीम में आ जाएगा तो हमारी टीम बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। और यार जल्दी से पोकेबॉल फेंको और पकड़ लो इसे। पूरी गोश पकड़ में आ जाए नहीं तो फिर से दहशत फैला देगा। ए हाँ ये बहुत डरावना है। बहुत बढ़िया बच्चे, तुमने उसे पकड़ लिया, नहीं तुम नहीं पकड़ते तो वो दहशत फैला देता। थैंक यू अंकल। बेटे मैं हूँ टीम रॉकेट का बॉस और मैं निकाल दूंगा तुम्हारी चटनी। भाई आप हो टीम रॉकेट का बॉस। हाँ और नहीं तो क्या। तो अगर आपको वीडियो सुनाई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो मत भूलना। और हाँ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, आईडी है @gamingwithdemon_official। लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर। हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।